सुपर स्टार जो थे अब आप इसमें से चॉइस करो कि आपकी नॉलेज के हिसाब से कौन थे दिलीप कुमार राज कपूर देवानंद या फिर कुंदन लाल सहगल मुझे यकीन है कि आपने सही डिसीजन लिया होगा हिंदी सिनेमा के जो पहले सुपरस्टार थे वो थे कुंदन लाल साइगल जिसे प्यार से के एल साइगल कहते हैं 1946 में के एल साइगल की एक फिल्म आई थी शहनशाह जिसमें वो हीरो भी थे और सारे गाने उन्होंने खुद ही गाए थे क्योंकि बहुत अजीम बहुत बड़े गायक भी थे मजरू सुल्तानपुरी के नगमात थे नौशाद साहब का संगीत था और उसमें केएल साइकिल का एक बहुत ही मशहूर गाना था जब दिल ही टूट गया जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया आज मेरे साथ मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इलियास अंसारी बैठे हैं हमने लास्ट टाइम पे भी इनका एक, एक एपिसोड बनाए थे इनके महरूम वालिद मोहम्मद इलियास अंसारी वो बोनोफाइड टेनेंट थे लंबी सीमिट चाउल फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर सिक्सटी थ्री बाइकल्ला स्टेशन और बाइकल्ला वेज मुंबई नंबर ग्यारह इन रिसेंट पास उनका इंतकाल हो गया और मोहम्मद आरिफ अंसारी जो मेरे बाजू में बैठे है वाहिद उनकी औलाद है तो अब इनकी सौतीली माँ आलिया मोहम्मद इलियास अंसारी जो कि उस घर को ऑक्योपाई की हुई है और आरिफ ने जो मुफ्ती का फतवा निकाले इस्लाम शरीयत की रोशनी में जिसमें यह जजमेंट आया है कि आरिफ का 87.5 परसेंट शेयर होता है और रिमेनिंग जो शेयर होता है 12.5 परसेंट वो आलिया मोहम्मद इलियास अंसारी का होता है और इन रिसेंट पास्ट आरिफ अपनी असल माँ के साथ आलिया से जाके मिले और इनकी मम्मी ने भी बहुत आलिया को समझाई कि मुफ्ती का फतवा है शरीयत की रोशनी में है और अगर कोई सा इनकार करेगा तो उसको जहन्नम की आग जलाएंगी मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि आलिया ने यह जवाब दी कि मुझे जहन्नम की आग पसंद है लेकिन लेकिन दुनिया में मैं आरिफ को उसका हक़ नहीं दूंगी तो अगेन आरिफ मेरे साथ बैठे हैं वो अपनी विपता पे रोशनी डालेंगे क्योंकि ये लंबी सीमेंट डेवलपमेंट के लिए चली गई है रबर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसको डेवलप कर रहा है और अब या तो रेंटल चेक मिलेगा टेनन ऑकोपायर को या फिर ट्रांजिट में रूम मिलेगा आलिया ये चाहती है कि मैं ट्रांजिट में रूम लेके आराम से बैठ जाऊं और आरिफ दर बदर की ठोकरे खाए मेरा नाम मोहम्मद आरिफ इलिया संसारी है लंबी सिमिट रूम नंबर सिक्सटी थ्री मेरे फादर के नाम पे है रूम और अभी वो बिल्डिंग जो लंबी सिमिट है वो डेवलपमेंट में गई है जो रबर वाला जो तब्रेज़ भाई रबर वाले ने लिया हुआ है और मेरी रिक्वेस्ट ये है तब्रेज़ भाई से कि आप जो चेक दे रहे हैं ये चेक या ट्रांजिस में ट्रांस में रूम दे रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ऐसा मेरी जो माँ है सौतेली उनको ना देवे नहीं तो मैं पैदल हो अब मेरी वाइफ को कैंसर की बीमारी भी, भी है मैं बहुत तकलीफ़ में हूं और अगर ये उनको दे देंगे चेक या रूम तो फिर मैं पैदल हो मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है मेरा इनसे यही है कि वो मेरा थोड़ा सपोर्ट करे मोहम्मद आरिफ <laughs> अंसारी ये मेरे छोटे भाई के जैसे हैं और मैं पिछले कई सालों से इन्हें जानता हूँ मुझे ये भी पता है कि आरिफ़ की जो वाइफ़ है वो कैंसर से गुज़र रही है और आरिफ़ इस पूरी मुंबई में इसका एक झोपड़ा भी नहीं है इसकी वाहिद उम्मीद ये रूम नंबर सिक्सटी थ्री है और शरीयत के हिसाब से मुफ्ती का फ़तवा है अलबत् इसकी सौतीली माँ आलिया मोहम्मद इलियास अंसारी सिरे से उसका इनकार कर रही है आरिफ 16 जून 2020 से लेके 16 सितंबर 2021 आठ रिमाइंडर कंप्लेंट डाल चुके हैं ये उसकी कॉपी है फ्रंट पेज पे मेरा रिकमेंडेशन भी है और ये आरिफ की रिटर्न कंप्लेंट है आरिफ का ये कहना है अगर मिस्टर तब्रेस रबर वाला अगर वो इनकी सौतीली आलिया मोहम्मद इलियास अंसारी को इन रिस्पेक्ट ऑफ रूम नंबर 63 या उनको रेंटल चेक दे देते हैं या फिर उनको ट्रांजिट में रूम दे देते हैं तो आरिफ कहाँ जाएगा? आलिया तो ये चाहती है कि मुझे ट्रांजिट में रूम मिले ताके मैं रूम पे कब्जा करके बैठ जाऊं जब लंबी चाल बनींगी, तब बनेगी जब तक तो ये बिना भाड़े के आराम से रूम में रहेंगे और आरिफ भाड़े के रूम में रहेगा अपनी कैंसर पीड़ित वाइफ के साथ हम अच्छी तरीके से जानते हैं लंबी सीमेंट चाल में दो ग्रुप है एक जो है रबर वाला ग्रुप के साथ है दूसरा जो है उनके अपोजिट में है लेकिन हम किसी भी तरीके से रुकावट डालना इस बिल्डिंग में नहीं चाहते क्योंकि हमारा सेवा नहीं है हमारा पेशा नहीं है अलबत्ता आलिया आरिफ को फोर्स कर रही है कि तू इस प्रोजेक्ट में हड़ल डाल इसीलिए वो नहीं मान रही है अब आरिफ को बिल आखिर मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा क्योंकि वो थक गया है जून से लेके सितंबर 2021 तक ये थक गया है आठ रिमाइंडर डाला सारे कंसर्न डिपार्टमेंट को डाला चीफ मिनिस्टर से लेके म्यूनिस्पल कमिश्नर से लेके डीएमसी जोन वन से लेके ई वार्ड के, के अदर कंसर्न ऑफिसर स्टाफ से लेके इंक्लूडिंग बिल्डर डेवलपर से लेके लेकिन आज तक इसे कोई भी समर्थन नहीं मिला अब आरिफ मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगा अब इसमें कोई हड़ल आता है कोई तकलीफ़ आती है कोई पेचीदगी आती है तो उसके हम लोग कतई जिम्मेदार ना होंगे मेरी सौतीली माँ आलिया अंसारी ने मुझे इतना प्रेशर दिया कि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया हूँ मुझे डायबिटीज़ हो गई और मैं ख़ुद बहुत परेशान रहने लगा और मैं यही तबरेज़ भाई से उम्मीद रखता हूँ कि मुझे पूरा पूरा इंसाफ़ मिलेगा शरीयत के लिहाज में देख के नहीं तो मैं मेरे बाल बच्चे या मेरी औरत को लेके मैं रस्ते पे रहूँ और तबरेज़ भाई देखें या दुनिया देखें ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि तबरेज़ भाई का अच्छा हर चीज़ में नाम है और इंसाफ़ की बात है और शरीय का तकाजा भी यही है ये। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि तबरीज़ भाई मेरे साथ पूरा इंसाफ़ करेंगे और कुरान हदीस के कुरान हदीस की रोशनी में फ़ैसला करेंगे इनशा ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीयत का इनकार करना ख़ारिज इस्लाम है उस पर कुफ्र का फतवा है आरिफ ने मुफ्ती से शरीयत की रोज़ से फ़तवा लाया था जिसे आलिया मोहम्मद इलियास अंसारी ने सिरे से इनकार कर दिया तो अब मैं मोहम्मद नईम शेख फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी मैंने वीडियो के बिगनिंग में कहा कि मोहम्मद आरिफ अंसारी इज़ लाइक माय यंगर ब्रदर और हमारी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी हमेशा ऐसे मजलूम का साथ देंगी जिनके साथ चीट हो रहा है जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है भले ही ई वार्ड मुंसिपल ऑफिस इनको कोई कॉपरेट नहीं कर रही है इतना उन्होंने किए कि उनके रजिस्टर में रूल नंबर सिक्सटी थ्री के आगे ब्रैकेट में डिस्प्यूट लिख दिए तो इससे तो ये जाहिर होता है कि परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन इन लीव ऑफ रूल नंबर सिक्सटी थ्री ये अब किसी को नहीं मिलेगा जब तक के आरिफ और उसकी सौतेली माँ आलिया मोहम्मद इलियास अंसारी के बीच में सेटलमेंट होता है फिर भी हम रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट के लिमिटेड के ओनर प्रोमोटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बींग मुस्लिम आप जानते हैं आप समझते हैं कि शरीयत क्या है मुफ्ती का फतवा क्या है तो मैं पूर्व उम्मीद हूँ कि मेरे छोटे भाई मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इलियास अंसारी के साथ कोई भी नहीं होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो भी हमारे न्यूज चैनल को इस वक्त देख रहे हैं आप हमारे न्यूज चैनल को बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे अपना प्यार अपना सपोर्ट देंगे और अगर आपको लगता है कि हमारा न्यूज़ चैनल्स जो है वो कॉमन पर्सन के लिए है कॉमन पर्सन के जो मसले हैं उनके रिलेटेड बातें शेयर करता है बातें बताता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस न्यूज़ चैनल्स को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और आइकन प्रेस करना ना भूलें और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को और हमारे न्यूज़ चैनल्स को शेयर करें शुक्रिया